स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि कई बार भी ऐसा हुआ है कि दैनिक जागरण से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती हैं वो सारी की सारी गलत साबित हो जाती हैं। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी हम ऐसा न्यूज़ आपको नहीं बताने वाले हैं जो कि दैनिक जागरण से निकली हुई है। आप सभी यहां पर देख लीजिए कि सचिव श्री सुनील कुमार सोनकर जी प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है उसके लिए ऑफिशियली तौर पर आप सभी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ें आ चुकी हैं। और यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट को मैं बताता हूँ कि क्या चीजें जो है ये स्पष्ट की गई हैं। यहां पर देखिए कि प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित विषम सेमेस्टर विशेष बैक पेपर मल्टी पॉइंट एंट्री एवं क्रेडिट सिस्टम दिसंबर 2021 की परीक्षा दिनांक 20/1/2022 से होनी निर्धारित थी। निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर की अध्यक्षता में दिनांक 16/1/2022 को परिषद की परीक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई और बैठक संपन्न होने के पश्चात बैठक को समिति द्वारा कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण एवं विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 हेतु राजकीय अनुनादित पॉलिटेक्निकों के अधिग्रहण तथा कार्मिकों की निर्वाचन में ड्यूटी लगाए जाने दृष्टिगत सर्वसम्मति से 20/1/2022 से प्रारंभ हो चुकी विषम सेमेस्टर परीक्षा को जो है स्थगित करते हुए 15/3/2022 से प्रारंभ किया जाने का निर्णय लिया गया है। जो आपसे 16 तारीख वाला बताया जा रहा है ना, ये दोस्तों आपका गलत न्यूज़ है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखिए 15/3/2022 से प्रारंभ कराने जाने का निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही साथ सभी छात्र छात्राओं की जो सम सेमेस्टर की ऑनलाइन कक्षाएं हैं, मतलब कि सेकंड सेमेस्टर की, ये 22/1/2022 से प्रारंभ कराने जाने का भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है। मतलब कि परीक्षा आपका 15 तारीख से होगा लेकिन 22 तारीख से आप सभी स्टूडेंट के सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस भी चलनी शुरू हो जाएंगी। सुनील कुमार सोनकर सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद, ये आपका ऑफिशियल यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ चुका है मीटिंग के बाद, ठीक है। तो देखते हैं दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट को यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा।